नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मार्गदर्शन किसे कहते हैं। जब आप किसी मार्ग पर जा रहे हो और वहां पर आपको मेरे दर्शन हो जाए, बस उसे ही मार्गदर्शन कहते हैं। धन्यवाद। अच्छा सुनो, मैं ना तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो मुझे आप करके बुलाया करो। चाचा कोई आया लगता नहीं कोई गया है। अच्छा जाने में भी घंटी बजती क्या बेबी? हाँ, कल मेरा बर्थडे है, तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तुम्हें क्या चाहिए? कुछ ऐसा जो बिल्कुल मेरे दिल पर आके लगे। गोली मार दो क्या? ये ना हर टाइम मुझे सॉरी सॉरी मत कहा करो। अब क्या हो गया? पूरा लड़ने का मूड खराब कर देते हो। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार, सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। सिक्स क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। अरे सब्जेक्ट विश के बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो है नहीं, और हाथ मुंह धो लिया, अब नहाना तो है नहीं। भैया पापा पूछ रहे, तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे। क्या ये कैसा मजाक है, मैं खुद उनके भरोसे बैठा हुआ हूँ। पापा एक बीबी के रहते दूसरी शादी करने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर, देखो कितने ध्यान से सुन रहा है, ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, एक ही झेलो। दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम। तू सुन, अकेली ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। हैं? काला टीका लगा के जाती है? हाँ हाँ, फिर तो नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। हाँ हाँ ठीक। बाबूलाल बैंक पहुंचा अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए, तो उसने देखा कि बैंक में मनाया जा रहा था हिंदी पखवाड़ा, और वहां बैनर के नीचे लिखा हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें। बाबूलाल ने भी चेक के ऊपर डेट की जगह पे लिख दिया आषाढ़ माह द्वादश तिथि संवत 2074। अब बैंक वाले चेक नहीं ले रहे।